बारे में बताएं। मैं करमवीर बोध, मैं हरियाणा चंडीगढ़ से आया हूँ और बाबा साहब विचारधारा से मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा हरियाणा और भाई सुधीर साथ में बैठे हैं, तो बाबा साहब की विचारधारा को हम घर घर पहुंचाने के लिए हरियाणा में या पूरे इंडिया में जो है ना बहुत कई सालों से लगातार काम कर रहे हैं। मैंने एक हमारी बहन को देखा, एक पर्दा कर रही थी और उस हाथ में बाबा साहब का झंडा था और जो है ना बाबा साहब की दीक्षा के सम्मेलन में जब आ रहे थे तो मुझे बड़ा ऐसा महसूस हुआ कि एक हमारी बहन और इस दीक्षा भूमि में जो है ना एक पर्दा ढक रही है। तो मैंने माननीय जो है ना उनके जो है ना पति देव से बात करी तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ है और मैं कि भैया पर्दा क्यों ढक रही है आपसे। इन्होंने कहा मैं मेरे से पर्दा नहीं है, ये हमारे समिति से पर्दा है। तो मैंने समिति जी से, क्या नाम आपका? दीवान सिंह गौतम है, जो बुद्ध की विचारधारा बाबा साहब से परिपूर्ण है, लेकिन बहन जी को पर्दा देखकर मुझे लगा और मैंने अनुरोध किया कि गौतम जी से कि गौतम जी के ये जो नम बहन है ये पर्दा क्यों कर रही है। तो मैंने बहन से रिक्वेस्ट करी कि मैं तैयार हूँ और मैंने गौतम जी से अनुरोध करा कि आप 100 रुपये देकर आज पर्दा उतारेंगे, क्योंकि सदियों को जो बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी थी इस देश में छुआछूत और भेदभाव की, उस लड़ाई का भी एक अंग है कि हम पर अगर हम ही उसी विचारधारा को अपनाएंगे दूसरों को क्या शिक्षा देंगे। तो आज गौतम जी ने ये माना और हमारी बहन ने माना, मैं सबसे पहले मैं इनको अपनी बहन मानकर जो है ना 100 रुपये से जो है ना एक सम्मानित एक कर रहा हूँ और जब भी कभी भी मुझे भाई की तरह याद करेगी, कहीं भी याद करेगी पूरे इंडिया में, मैं इनके साथ खड़ा हुआ मिलूंगा। एक भाई का जो फर्ज होता है वो निभाने का मैं फर्ज करूँगा, क्योंकि मैं बाबा साहब के परिवार से जो है ना संबंध रखता हूँ और मैं हमारी बहन से बिल्कुल छोटा ज़रूर हूँ लेकिन मैं बहन के साथ खड़ा जो है ना हमेशा खड़ा हुआ मिलूंगा। तो मैं अनुरोध करता हूं गौतम जी से कि वो जिसकी वजह से पर्दा जो ना कर रही थे उनसे अनुरोध है कि वो 100 रुपये दें और हमारी बहन का पर्दा हटवा कर जो है ना एक बहुत बड़ा काम देश में करें। भाई गौतम जी जो है ना 100 रुपये दें और वाले बड़े आदर से और जो है ना आप मैं फिर दोबारा आऊँगा, मैं गौतम जी से बात करता हूँ। गौतम जी ये पहले तो आपको दान के रूप में, सम्मान के रूप में पैसे दिया करती थी और आज आपने 100 रुपये इनको एक दान के रूप में दिए तो आपको कैसा लग रहा है? नहीं, ये हमारे भतीजी है इनके लड़के घर में, तो हम इनको देने का ही हमारा हक है। अच्छा, तो आप जब यहाँ आए हम कार्यक्रम में तो पर्दा लगा और भाई साहब जी ने जो इस बात में जो कहा कि बौद्धों में पर्दा नहीं हुआ करता, मैं इस बात से सहमत हूँ कि बौद्धों पर्दा वाकई में नहीं हुआ करता। और जो आप भाई साहब जी ने बहन बनाया है मैं इनसे भी बहुत प्रभावित हूँ और जो आज पर्दा जो हमारी समदन जी ने जो पर्दा हटाया मैं इससे बहुत सहमत हूँ कि बौद्धों में होना पर्दा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आंखों की शर्म होती है? हाँ, आंखों तो आंखों की होती है, पर्दे का कोई होता नहीं। मैडम आपका नाम? सीता देवी। थोड़ा तेज बोले। सीता देवी या गीता देवी? ना सीता देवी। तो आपको तो घूंघट करना एक स्वाभाविक बात है कि आप उस परिवार से सीता हैं। तो आज आपका इन वीर सिंह बोध जी ने एक आपका ये घूंघट हटवा दिया, पर्दा हटवा दिया, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो ये कभी आपने कोशिश की कि मैं इस पर्दे को हटाऊं, मैं एक बराबर का हकदार हूं और मैं अपनी जिम्मेदारी को आगे निभाऊं? हाँ जी, गांव में जाके मैं अपनी वीर सिंह बोध जी, आज करमवीर बोध जी आज यहाँ दीक्षा समारोह है, ये आम जनता को या बहुजन समाज को दीक्षा लेने का क्या फायदा है? बाबा साहब की विचारधारा समता समानता और बंधुत्व आधारित जो है ना बुद्ध की विचारधारा है कि बुद्ध ने कहा था किसी बात को इसलिए मत मानो कि सदियों से चली आ रही है, और बुद्ध ने यह कहा किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि लाखों लोग कह रहे हैं, और बुद्ध ने यह भी कहा किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वो धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। तो बुद्ध की विचारधारा है कि किसी बात को मानने से पहले जांचना होगा, परखना होगा, और जांचने और परखने के बाद जो बात सही हो उस बात को मानना होगा। तो आज जो दीक्षा के कार्यक्रम में जो लोग आए हैं और बुद्ध की भी जो विचारधारा है वो समता समानता और बंधुत्व आधारित है, वो हमारी बहन हो, हमारी बहू हो, हमारी बेटी हो, वो बेटी के तरह जो है ना हमें बर्ताव करना चाहिए। बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है, लेकिन पर्दा करने से जो सदियों पुरानी इस देश इसकी गुलामी जो ना की तरफ जो ना अग्रसर करती है, आज हमारी बहन ने सीता देवी ने जो ना पर्दा उतार कर और हमारे साथी जो ना गौतम जी ने जो बात मानी है ये देश के सामने, खासकर दलितों के सामने, पिछड़े वर्ग लोगों के सामने और इस देश के लोग जो अंधविश्वासी लोगों के मुँह के ऊपर तपेड़ा है कि आज घर घर जाकर जो ना आप खुद जो ना स्टेजों पर भाषण देते हैं कि पर्दा प्रथा नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं अपील करता हूँ पूरे देशवासियों से कि यह जो प्रथा है, ये पर्दा प्रथा है, वो खासकर जो ना हमारे परिवार में तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बाबा साहब के परिवार के
जो ना अनुयायी हैं बाबा साहब की, जो ना औलाद हैं बाबा साहब की, जो ना हम जो ना बच्चे हैं, इसलिए हमने बाबा साहब की विचारधारा इस देश के लिए जो ना आगे बढ़ाने का काम करेगी, जो ना जाति रहित समाज पैदा करेगी, वर्ण व्यवस्था को जब तक हम नहीं तोड़ेंगे, जातिवाद को नहीं तोड़ेंगे, ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। और वो चीज़ केवल बाबा साहब की विचारधारा और तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा ही पूर्ण कर सकती है। धन्यवाद। हमारे बीच में है इंजीनियर सुधीर लाल जी, आइए हम इनसे बात करते हैं। सुधीर लाल जी, आज ये बौद्ध धर्म दीक्षा का प्रोग्राम है, ये हम जो आवाम है, जो यहाँ की जनता है, उसे धर्म लेने से या दीक्षा लेने से क्या फायदे हैं? धम्म तो भाई पिपल जी उनके पास पहले से ही है जी। और धम्म के फायदे, धम्म को जब जीवन में उतारते हैं तब समझ में आते हैं, क्योंकि ये जो आज दीक्षा है, पहले दीक्षा का मतलब समझ लें। दीक्षा का मतलब वो नहीं है जो संस्कृत वर्ड दीक्षा बोलता है, ये पाली का वर्ड है, इसका मतलब है दीक्षा। दीक्षा, दीक्षा का मतलब है देखना सिखाना। दीक्षा माने होता है देखना, देखना सिखाना। मतलब यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई संप्रदाय दे दिया या एक कोई पुराना आपका संप्रदाय रहा हो, है ही नहीं किसी का, उस संप्रदाय को बदल के यहाँ ले आए, या कोई कन्वर्जन है या कोई बदलाव है या धर्म बदल गया, ऐसा नहीं है। यहाँ भगवान बुद्ध जो सिखाते थे, वो दीक्षा जब देते थे तो वो देखना सिखाते थे। देखना क्या है? जो धर्म प्राकृतिक नियम है उनको दिखाना, वो दीक्षा है, उसको दीक्षा बोलते हैं संस्कृत में। उसका प्रतीकात्मक रूप बना दिया लोगों ने कि आए और कुछ कर्म कांड सा किया और कह दिया आप दीक्षित हो गए या दीक्षित हो गए, वो दीक्षित नहीं हो सकते। तो दीक्षा का मतलब है दर्शन, दर्शन माने, दर्शन को हिंदी में बोला जाता है देखना, दिखाना। तो जीवन को कैसे देखना है, अपने को कैसे शुद्ध करना है, कैसे आपको पंचशील का पालन करना है, कैसे बाकी शीलों का पालन करना है, तीसरण का कैसे पालन करना है, ये सब यहाँ दिखाया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई संप्रदाय है, आप किसी समुदाय में जबरदस्ती आपको डाला गया है, अभी ये कह दिया कि आपका समुदाय बदल गए और आप मुक्त हो गए, ऐसे नहीं है। तो यहाँ लोगों को बताया जाता है, भिक्षु बताएंगे कि जीवन कैसे बढ़िया चलता है, भगवान बुद्ध ने कैसा कहा है, बस यही दीक्षा है, यही दीक्षा है। और वो बार बार बताई जाती है, दिखाई जाती है, समझाई जाती है, दिट्ठे से भी बोलते हैं उसको, दिट्ठा भी बोलते हैं उसको। तो ये टोटल जो कार्यक्रम है, निरंतर प्रयास का है, लगातार चलते रहने का है। जिन्होंने दीक्षा शब्द नहीं सुना उनको दीक्षा समझना चाहिए, दीक्षा जो समझ चुके हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, जो आगे बढ़ चुके हैं उनको औरों को सिखाना चाहिए, जो सीख चुके हैं उनको जन जन तक पहुँचाना चाहिए। इंजीनियर साहब, ये देखा जाता है कि किताबों में कुछ पढ़ाया जाता है, जैसे आज एक दिन का ये प्रोग्राम है, एक दिन का समारोह है, जो दीक्षा दी जाएगी, लेकिन किताबों में और पढ़ाया जाता है एक दिन में ही, क्या हम लोग इसको सीख सकते हैं या हम इसमें इस रास्ते पर चल सकते हैं क्या? हाँ, एक दिन में भी, एक घंटे में भी, एक साल में भी, और पूरे जीवन में नहीं। ऐसा बुद्ध ने अपने 45 साल के जीवन में बड़े लोगों को देखा, सबके समझने की, सबके देखने की और सबके सुनने का, सबका समझने का, सबकी प्रज्ञा अलग अलग लेवल की होती है। तो एक शब्द में भी आ सकता है और पूरे जीवन में भी ना आए। इसको आप उतारें तो एक बात से उतारें तो उसी में कामयाबी मिल जाएगी, पूरे जीवन रट्टा मारते रहें तभी कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए ये एक्सेप्ट ग्रहण करने वाले के ऊपर है कि वो उसको कितनी जल्दी और कैसे ग्रहण करता है, और ये सभी के लिए है। लेकिन सर, किताबों में पढ़ाया जाता है कि शिक्षा की जो माता है वो सरस्वती है और धन की जो माता है वो लक्ष्मी है, तो किताबों से वो ज्ञान मिलेगा, मतलब इस तरीके के आप लोग बताएंगे उससे ज्ञान मिलेगा? नहीं, ज्ञान तो लेने वाले के ऊपर है, ज्ञान तो सभी तरह का होता है, एक सम्यक ज्ञान होता है, एक असम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान वो होता है जो शरीर के लिए, परिवार के लिए, मोहल्ले के लिए, देश देश के लिए ठीक हो, और असम्यक ज्ञान वो होता है जो ना खुद के लिए ठीक हो, ना मोहल्ले के लिए ठीक हो, ना परिवार के लिए, ना दोस्तों के लिए, ना देश के लिए, ना उसके लोगों के लिए ठीक हो। तो आप जो ज्ञान ले रहे हैं उससे क्या सबको लाभ है, क्या आपको लाभ है, क्या आपके पड़ोस में सबको लाभ है, सम्यक ज्ञान है? और क्या जो ज्ञान आप ले रहे हैं उससे किसी को नुकसान है, चाहे वो आपके पड़ोसी मुल्क को है, चाहे वो आपके भाई को है, या आपके रिश्तेदार को है, आपके मोहल्ले को है, आपके देशवासी को, तो वह सम्यक ज्ञान है। तो बुद्ध का तो सारा ज्ञान ही सम्यक है, इसलिए पहला ज्ञान ऐसा है जो बुद्ध ने दिया कि उन्होंने हर बात में सम्यक शब्द जोड़ा, यानी सही जोड़ा। सर, आपका नाम? मेरा नाम जगवीर सिंह है, मैं दिल्ली नगर निगम में कार्यरत हूँ और आज इस समारोह में सम्मिलित हुआ हूँ। आज मुझे भाई करमवीर जी ने जो ये पर्दा प्रथा को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उन्होंने काम किया है, ये वाकई प्रशंसनीय है। और ज़रूरत है हमको व्यवहारिक रूप से जीवन में जो व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं,
जो इस ब्राह्मणवाद को इसको ख़त्म करने में या ब्राह्मणवाद को कम करने में सहायक सिद्ध होती हैं, तो ये भी एक ब्राह्मणवाद का हिस्सा था अपने आप में। तो ये जो पर्दा प्रथा है, पर्दा प्रथा से जो हमारे मन के जो विचार हैं हम उनको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो ये एक निकट भविष्य में एक परिवार को, परिवार के डेवलपमेंट में ये बहुत सहायक सिद्ध होगा ऐसा। जब घर में बहू आती है और जो रीति रिवाज अपनाए जाते हैं, तो हमारी घर की महिलाएं खुद जानबूझकर उन लड़कियों पर या जो बहुएं आती हैं उन पर जानबूझकर प्रेशर डाला जाता है कि तुझे अपने ससुर से घूंघट करना है, अपने जेठ से घूंघट करना है। मंच पे आके तो हम सारी बातें कहते हैं कि हम ये प्रथा प्रथा खत्म कर देंगे, लेकिन घरों के अंदर आज भी मूर्ति पूजा और प्रथा चल रही है। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको अपने परिवार का बताता हूँ कि मेरी बड़ी भाभी वो एमए बीएड थी, तो जब वो परिवार में आई तो हमने अपने पिताजी से रिक्वेस्ट किया कि पिताजी ये इनकी क्वालिफिकेशन एमए बीएड है और घर में भी ये यदि पर्दे में रहेंगी, जबकि स्कूल में भी जाना है इनको, घर से बाहर निकलना है, तो क्या पर्दे में रह करके इनका विकास हो पाएगा या घर में इस तरीके के बंधन में रह करके ये परिवार का विकास कर पाएंगे? तो हमारा आपसे ये अनुरोध है कि ये जो पर्दा प्रथा है आप स्वयं ही इसका विरोध करें और आप खुद अपने पुत्र। आपने बताया कि मेरी बड़ी भाभी जो डबल एमए बीएड थी, पढ़ी लिखी थी, तो सर पढ़ी लिखी होना एक वो पर्दा नहीं करेंगी? जो अनपढ़ बिचारी जो हैं क्या वो पर्दा करेंगी? देखिए, जब पढ़ी लिखी पर्दा करती हैं तो जो कम शिक्षित हैं या अनपढ़ हैं तो वो कहती भाई वो तो पढ़ी लिखी पर्दा करती है, हम तो अनपढ़ हैं, तो ये उनको एक प्रेरणा मिलती है कि भाई वो भी तो बहू है उस परिवार की और उसने उस चीज़ को छोड़ा है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत अच्छा काम किया है भाई करमवीर जी ने, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और ये मैसेज यहाँ रामलीला मैदान से पूरे देश में जाएगा। ऐसी धन्यवाद। सर आपका नाम? मैं अशोक चौरान जाट जाति से हूँ। जाट जाति तो सदा प्रचंड बोध रही है, ये आचार्य धर्म कीर्ति जी की पुस्तक है, जाट जाति से संबंधित थे। हमारे सम्राटों की हत्याएं की गई, कनिष्क बौद्ध धर्मी राजा थे, हर्षवर्धन की बहन प्रियदर्शनी का यानी ब्राह्मणवादी ताकतों ने हरण किया। हम इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए निकले हैं और इसे ख़त्म कर के ही दम लेंगे। जाटों को चांडाल घोषित किया गया था, चचनामा पढ़ लीजिएगा, चचनामे में चांडाल घोषित किया गया था। उस समय राजा दाहर के समय राजा दाहिर की हत्या हुई, राजा दाहिर ने अपनी सगी बहन के साथ शादी की, राजा दाहिर ब्राह्मणाबाद का राजा था, ब्राह्मण था। तो ऐसी व्यवस्थाओं के साथ हमारा शुरू से टकराव रहा है और इन व्यवस्थाओं को ख़त्म लेकर कर ही हम दम लेंगे साथी। सर, ये व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं तो आज ये धम्म दीक्षा का प्रोग्राम है, तो आप ये धम्म दीक्षा, ये धम्म दीक्षा है क्या? धर्म अपने आप के अंदर मानवता एक धर्म है। धर्म या धम्म? धम्म, पाली भाषा के अंदर धम्म कहते हैं, उसी को चुरा लिया ब्राह्मणवादी ताकतों ने, धम्म को धर्म कर दिया उसी ब्राह्मणवादी ताकतों ने। प्रतिक्रांति हुई जो सम्राट अशोक के प्रपौत्र की वृद्धत की हत्या के बाद कुशशुंग ने उनकी हत्या की, हत्या के बाद देश में प्रतिक्रांति हुई। इस प्रतिक्रांति के तहत ब्राह्मणों को अधिकार दिया गया, सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया, उस अधिकार के तहत यहाँ के मूल निवासी राजाओं की हत्या करने का अधिकार दिया गया, मनुस्मृति लिखी गई, शिक्षा का अधिकार हमारा छीन लिया, हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी उस वर्ण व्यवस्था के अंदर जितनी जातियाँ थी उन जातियों को, वर्ण व्यवस्था के अंदर जितने वर्ण थे उन वर्णों को जातियों में परिवर्तित कर दिया गया। हम सभी शूद्रों को खाली तागड़ी बांधी जाती थी, जनेऊ के रूप में हमारी पहचान थी, जाटों को भी बांधी जाती थी, हमें भी बांधी जाती थी, सभी शूद्रों को बांधी जाती थी। ब्राह्मण सूत का जनेऊ पहनता था, क्षत्रिय मूंज का जनेऊ पहनता था, वैश्य सूतली का जनेऊ पहनता था। वर्ण व्यवस्था के अनुसार हमें काली तागड़ियाँ बांधी जाती थी। हम शूद्र हैं, हम इस देश के बहुजन हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। मैं अकेला जय भीम कहना पसंद नहीं करूँगा, मैं जय मूल निवासी, जय योद्धे कहना पसंद करूँगा। हमारी योद्धाओं की धरती रही है ये, रोहतक भूमि का धरती थी, रोहतक राजधानी थी योद्धाओं की। उस राजधानी में हमारी जो आज प्रजातांत्रिक प्रणाली है, सारी की सारी प्रजातांत्रिक प्रणाली उसी व्यवस्था की देन। गले मिलो भाई, बहुत धन्यवाद, गले मिलो। बहुत अच्छी बात, अभी आपने बताया कि जाट समाज से हैं और मैं बौद्ध और धम्म को मानता हूँ, बौद्ध धम्म के बात करते हैं।